मैं केवल सिंह सरपंच बोल रहा हूँ। आज हमने यहाँ चिनका एरिया में आपने देखा कि हमने पूरा सर्च किया डैम में, जो ये झील है हमारी अपने डैम से ऊपर, और चिनका एरिया में, और आपका ये सलाल का एरिया और नासकंथान का एरिया। SHO साहब साथ थे, चेयरमैन साहब साथ थे, कुछ संजीव सिंह लड़का, सोशल वर्कर और एक सुनील लड़का, सारे हम इकट्ठे थे। क्योंकि आज सुबह जब मैं उठा घर के बाहर तो मैंने देखा कुछ चीलें और कावे इस बीच जो पोर्शन है आपने देखा होगा, बीच में कुछ वो उधर बैठ रहे थे। हमें मुझे एक शक हुआ कि जो लोग वहाँ से, जो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 लोग एक फैमिली के थे, जो आपका किश्तवाड़ में हुआ था, जो लोग उसमें बादल फटने की वजह से दब गए थे, कुछ दरिया में बह गए थे, इसी तरह SHO साहब आए नाश से। और मैंने इनसे बात की और ये कहने लगे कि ठीक है जी, आज कल भी SHO साहब थे, परसों भी थे, परसों सुबह भी मैं ये पूरा जब घर से निकलता हूँ तो सुबह जाता हूँ, मुझे जब मैंने कल रात को ये वीडियो देखी कि उनके घर की मैंने हालत देखी, और वो जो राकेश की वाइफ मिली, उनका संस्कार जो किया गया, कैसे आपने देखा कैसे सजा बजा के किया गया, और घर वालों की क्या हालत थी, इसी तरह आज हमने पूरा, मुझे देख रहे हो कि पूरा मैंने पानी में, आपने देखा होगा मैंने हर जगह पे घास में देखा और किनारे पे हम सारा चेक किया। मुझे लगता है कि एक पहले भी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, 10-11 दिन के बाद डेड बॉडी इसी एरिया में आई। आपने देखा, आपका पांगी पाडर हो, आपका किश्तवाड़ हो, आपका रामबन हो, जहाँ वहाँ भी जितने एक्सीडेंट होते हैं सारा इस एरिया में, आपके कंथान ब्रिज से लेके चिनका एरिया और थनपाल एरिया, नास के एरिया में डेड बॉडियाँ लगती हैं। अब रब ऐसा नहीं करे कि 2 दिन पहले बारिश हुई, बड़ा जोर से पानी था, कहीं बाहर निकल गए, तो हमारा ये कहना है कि अभी डेड बॉडियाँ पीछे होंगी, वो जैसे कल डेड बॉडी परसों मिली, एक डेड बॉडी मिल गई। तो मेरा ये कहना है जनाब आपसे कि हम भी इंसान हैं, हमने पता नहीं कैसे मरना है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन ठाकरा कोट से हूँ, ये एरिया मेरे एरिए में पड़ता है। आपने सुना होगा कि चंद दिन पहले एक गाड़ी, ऑटो गाड़ी जहाँ कोई भी थी, रामबन में दरिया में चली गई थी। उसमें एक सब इंस्पेक्टर राकेश जी थे, उनकी पत्नी थी और उनके 2 बच्चे, वो दरिया में डूब गए। अभी 2 दिन पहले उनकी मिसेस की डेड बॉडी अपने हरोग एरिए में क्या कहीं दरिया के किनारे मिली। तो हमने भी सोचा, हमारा एक इंसानी फ़र्ज है कि भाई हम भी तलाश करें दरिया के किनारे, कि भाई कहीं उन बच्चों की, उस जो सब इंस्पेक्टर थे राकेश जी, उनकी डेड बॉडी हमें मिल जाए। तो हमने, आपको पता है कि जहां ये फ्लड की वजह से जहां दफ़ा 144 लगी है, हम दरिया के किनारे हमें जाना मना है। तो इस एरिए में जहां हम अभी गए थे, इस एरिए में हमें कुछ चील कवे पड़ते दिखाई दिए, तो हमें डाउट हो गया कि भाई जहाँ कोई ज़रूर कोई ना कोई डेड बॉडी लगी होगी। तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो SHO साहब तो 3-4 दिन से वो तो ऑलरेडी वो गए हैं, वो सर्च कर रहे हैं दरिया के किनारे। तो उन्होंने, SHO साहब भी आए, हमारे कुछ तैराक जो तैरने वाले हैं वो भी हमारे साथ थे, तो मैं भी गया, मैं भी तैरना जानता हूँ। हमने जैकेट्स वगैरह, लाइफ जैकेट्स वगैरह डालकर हम मोटर बोट में गए और इस एरिया को हमने पूरा सर्च किया, क्योंकि जहाँ आशंका रहती है कि कोई भी चीज़ आएगी जहाँ इन झाड़ियों में फंस सकती है। लेकिन आज जो हमने कोशिश की, बारिश भी आई, हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम इसको कल भी, अगर मौसम साफ रहा, कल भी हम तलाश करेंगे, जब तक उनकी डेड बॉडीज़ वगैरह नहीं मिलती है तब तक हमारी ये कोशिश जारी रहेगी।